नमस्कार, मैं विजय कुमार सेन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं नव भारती परिवार में। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आरबीसी सब्जेक्ट एसएसटी चैप्टर 12 ह्यूमन रिसोर्सेज मानव संसाधन का नेक्स्ट वीडियो है, और इस वीडियो में हम साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे। पिछले हमने वीडियो में साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ा था। अब हमारा साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन राजस्थान, पिछले वीडियो में राजस्थान के बजाय इंडिया का देखा था हमने, पूरे वर्ल्ड का देखा था, ठीक है, टॉप 10 कंट्रीज को देखा था। और अब हम देख रहे हैं इस वीडियो में राजस्थान की जो जनसंख्या वितरण है वो किस प्रकार से है और यहाँ का क्षेत्रफल किस प्रकार से है। तो एक छोटे से वीडियो में हम राजस्थान को देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, 5 बड़े जिले हैं जिनमें सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। ये जिले जो है ये जनसंख्या के आधार पर सीक्वेंस वाइज स्टेप बाय स्टेप जमाए हुए हैं कि जनसंख्या के मामले में देखते हैं तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो जिला है वो फर्स्ट रैंक पे है जयपुर। पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा जनसंख्या जयपुर, उसके बाद ये है जोधपुर, उसके बाद चलते हैं तो उसके बाद अलवर, उसके बाद नागौर और उसके बाद उदयपुर। मतलब टॉप 5 में सबसे कम जनसंख्या अगर है तो वो किसकी है, उदयपुर की है। टॉप 5 में सबसे फर्स्ट पे आता है जयपुर। ये ऐसा कहे कि राजस्थान में वह कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा है, जयपुर। यह यूं कहे जाए कि राजस्थान में वह कौन सा जिला है जो जनसंख्या में द्वितीय स्थान रखता है, तो द्वितीय स्थान रखने वाला है जोधपुर। मतलब 33 जिलों में ये टॉप 5 में काउंट होते हैं। आगे चलते हैं तो लोवेस्ट 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सबसे कम जनसंख्या वाले 5 जिले, सबसे कम जनसंख्या वाले 5 जिलों की बात करते हैं तो सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला है वो है जैसलमेर। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर। ध्यान रखना, जैसलमेर एक ऐसा जिला है जिसकी जनसंख्या की बात करें तो सबसे कम, ठीक है, लेकिन अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा जैसलमेर की है। उसके बाद बात करते हैं कि इससे ज्यादा जनसंख्या कहां पर है, तो इससे ज्यादा जनसंख्या है प्रतापगढ़ की, और इसीलिए प्रतापगढ़ है वो 32वें रैंक पे बैठता है। टॉप 33 जिलों के अंदर 32 जो रैंक है वो प्रतापगढ़ की है। उसके बाद अगर थोड़ी ज्यादा जनसंख्या है तो किसकी है, सिरोही की है। उसके बाद थोड़ी ज्यादा जनसंख्या है तो किसकी है, बूंदी की है, और उसके बाद ज्यादा जनसंख्या है तो किसकी है, राजसमंद की। इसीलिए क्योंकि लोवेस्ट 5 है, इसीलिए यहां पर मैंने बैक काउंटिंग का यूज किया है कि 33 रैंक पे अगर है तो जैसलमेर, 32 रैंक पे है तो प्रतापगढ़, उससे कम है तो सिरोही, उससे कम है तो बूंदी, उससे कम है तो राजसमंद। क्लियर। आगे हम बात करते हैं राजस्थान के बारे में कि राजस्थान जो है इसकी कुल जनसंख्या क्या है। तो राजस्थान की जब जनसंख्या की बात करते हैं तो राजस्थान की कुल जनसंख्या है 686। देखो बच्चों, याद रखना कि एक मुस्लिम धर्म में एक अंक जो है वो फेमस माना जाता है 786, ठीक है, तो आप इसको 786 से लिंक करके रख सकते हैं कि 786 नहीं है, राजस्थान का अंक है 686, ठीक, तो 686 याद रख सकते हैं, 686 21012, या यूं कहें कि 6,86,21,012, ये राजस्थान की कुल जनसंख्या है। और कुल जनसंख्या जो विश्व भारत की जो कुल जनसंख्या है, भारत की कुल जनसंख्या का, भारत की कुल जनसंख्या का ये कितना प्रतिशत है, 5.67%, 5.67%। भारत की कुल जनसंख्या का राजस्थान में जो जनसंख्या निवास करती है कितने प्रतिशत है, तो वो है 5.67%। अगर बात करें क्षेत्रफल की तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3.42 लाख किलोमीटर। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो है 3.42 लाख किलोमीटर स्क्वायर, 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर राजस्थान का क्षेत्रफल है। और अगर हम बात करें कि सर्वाधिक
जनसंख्या वाला जो कौन सा है तुमने बताया? जयपुर। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला जयपुर है, तो इसकी जयपुर की जो जनसंख्या है वो कितनी है? तो वह 66,63,971। 66,63,971। और अगर सबसे कम की बात करें तो सबसे कम की बात करते हैं तो वो है जैसलमेर। सबसे कम की बात करते हैं तो कौन सा है? जैसलमेर। और जैसलमेर की जो जनसंख्या है वो है 6,72,000। ध्यान रखना यहां पर भी 6 का आंकड़ा है, यहां पर 66 है, यहां पर सिंगल 6 है, ठीक है। 66 लाख है, ये 6 लाख है। सबसे ज्यादा जयपुर की है और सबसे कम जैसलमेर की है। तो ये हमने राजस्थान के व्यू में छोटा सा टॉप 5, लोवेस्ट 5, ठीक है। और हमने जनसंख्या जो है, जनसंख्या और राजस्थान का क्षेत्रफल जो है उसको देखा। अब जनसंख्या घनत्व जो है, जनसंख्या घनत्व में हम बात करेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जनसंख्या घनत्व है। तो भारत का जो जनसंख्या घनत्व है, सबसे पहले हम बात करेंगे भारत का जनसंख्या घनत्व। भारत के जनसंख्या घनत्व को देखते हैं तो यह है 382 किलोमीटर पर्सन पर किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। अब ये तो हमें पता है कि भारत का जनसंख्या घनत्व 382, लेकिन कई बच्चों को ये नहीं पता हुआ सर जनसंख्या घनत्व क्या होता है। जनसंख्या घनत्व मैंने पिछले वीडियो में भी एक बार बात की थी, जनसंख्या घनत्व का जो संबंध है वो है 1 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या की एक वर्ग किलोमीटर में लगभग कितने लोग रहते हैं, टोटल जो जनसंख्या है उसका रेशो किससे निकाला जा रहा है? टोटल क्षेत्रफल से निकाला जा रहा है। जनसंख्या का जब रेशो क्षेत्रफल से निकाल रहे हैं तो यहां पर हमारे सामने निकल के आ रहा है कि पॉपुलेशन और किलोमीटर, इन दोनों का क्या रेशो है। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में, 1 वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या कितने निवास करती है, तो उसे हम कहेंगे जनसंख्या घनत्व। तो भारत का जनसंख्या घनत्व, भारत के क्षेत्रफल की अगर उसे तुलना करते हैं तो 382 पर्सन पर्सन है, व्यक्ति है, प्रति किलोमीटर स्क्वायर में। उसके बाद बात करते हैं बिहार का। तो ध्यान रखना सबसे ज्यादा अगर है तो किसका है, वो है बिहार का। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का है और बिहार का जनसंख्या घनत्व है 1102 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। ये ऐसा टॉपिक है जो न केवल आपके SST में बल्कि आप 10th क्लास पास आउट करने के बाद कॉम्पिटिशन एग्जाम में बैठेंगे तो वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। किसी भी एग्जाम के अंदर उठा के देखेंगे जिसमें राजस्थान का टॉपिक है या इंडिया का टॉपिक है, जनसंख्या का टॉपिक है, तो वहां पर ये क्वेश्चन अक्सर पुट अप होते हैं, ठीक है। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है, 1102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। सबसे कम, तो सबसे कम की अगर बात करें तो वो है अरुणाचल का। सबसे कम किसका है, अरुणाचल का। तो यहां पर हम देख सकते हैं ये अरुणाचल और इसका जनसंख्या घनत्व क्या है, सबसे कम। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है, अरुणाचल का है। और कितना है, 17 लोग प्रति किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, हर वर्ग किलोमीटर स्क्वायर की बात कर रहे हैं। तो 17 लोग निवास करते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अब राजस्थान का अगर हम देखते हैं, क्योंकि राजस्थान से जुड़े हुए हैं तो राजस्थान में देखना जरूरी है, तो राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व है या पॉपुलेशन डेंसिटी है तो वो है 201, न इतना कम है और न ही इतना ज्यादा है। तो आपको ध्यान रखना होगा राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, 201। राजस्थान में वापिस वही 5 जिलों की हम बात करेंगे जिनका जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा, जिनका जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा और सबसे कम। इन दो टेबल की हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से जिले हैं जिनका जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है,
जो बच्चे जयपुर में निवास करते हैं, जो जयपुर में आए हैं, तो उनको तो पता ही होगा कि जयपुर की भीड़ भाड़ कितनी है। जयपुर की लोकेशन को देख के पता लग जाता है कि जयपुर की डेंसिटी क्या होगी। तो जयपुर में सबसे ज्यादा है राजस्थान में, और वो है 598। मतलब जयपुर का जनसंख्या घनत्व राजस्थान के जनसंख्या घनत्व से भी ऊपर जा रहा है, ठीक है। और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व राजस्थान में जयपुर का है। जयपुर के बाद में भरतपुर का जनसंख्या घनत्व 503। सेकेंड रैंक जो जनसंख्या घनत्व में आती है वो किसकी आती है? भरतपुर की है। पहले जयपुर है और दूसरा भरापुरा है, और तो भरतपुर है। तीसरा इसके बाद में छोटा सा स्टेट है, छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन जनसंख्या घनत्व में दौसा पीछे नहीं है, और दौसा का जनसंख्या घनत्व है 476। फोर्थ नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो जनसंख्या घनत्व में अलवर, और अलवर का जनसंख्या घनत्व है 438। और फिफ्थ रैंक पे जो जनसंख्या घनत्व में जो पॉपुलेशन डेंसिटी में जो डिस्ट्रिक्ट बैठता है वो है बांसवाड़ा, और यहां का जनसंख्या घनत्व है 399। ये पांचों के पांचों ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनका जनसंख्या घनत्व हमारे राजस्थान के जनसंख्या घनत्व से भी ज्यादा है। क्लियर। अब बात करते हैं सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले, जहां पर सबसे कम जनसंख्या घनत्व। तो आपको बता दूं कि जैसलमेर जो है इसका क्षेत्रफल तो खूब बड़ा है, क्षेत्रफल दृष्टि से देखते हैं जैसलमेर को तो राजस्थान का नंबर वन है, ठीक है। लेकिन बात करें जनसंख्या घनत्व की तो आपको पता है कि जैसलमेर में डेजर्ट है, ठीक है, रेगिस्तानी मरुस्थल है, तो मरुस्थल में वहां पर जनसंख्या वैसे कम निवास करती है। तो सबसे कम जो पार्ट है वो जैसलमेर का है। तो जैसलमेर जो है वो टॉप वन पे बिलोंग करता है, या हम ऐसे कहें कि 33 रैंक है इसके भी, 33 नंबर पे बिलोंग करता है डिस्ट्रिक्ट्स में डेंसिटी के मामले में। सबसे कम है वो जैसलमेर की है, उसके बाद बीकानेर है, बीकानेर के 78। उसके बाद है तो वो है बाड़मेर, जहां की डेंसिटी है 92। फिर हम बात करते हैं तो वो है चूरू, और चूरू की जो डेंसिटी है वो 148, और उसके बाद में है 29, तो वो है जोधपुर, और जोधपुर की डेंसिटी है 161। बच्चों पांच ये जो डिस्ट्रिक्ट हमने देखे, पांचों डिस्ट्रिक्ट रेगिस्तान के मरुस्थली पार्ट के टच वाले पार्ट हैं पांचों के पांचों। जोधपुर की डेंसिटी थोड़ी ज्यादा है, चूरू की डेंसिटी थोड़ी ज्यादा है, इन तीनों की डेंसिटी तो 100 से भी कम है। रीजन क्या है? तो रीजन है मरुस्थल। यहां का भूभाग, यहां का क्षेत्रफल काफी बड़ा है, लेकिन यहां पर रहने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है, मरुभूमि होने के कारण। जोधपुर थोड़ा डेवलपमेंट है, जोधपुर में थोड़ा डेवलपमेंट है, जोधपुर डेवलप्ड पार्ट है, इसलिए जो जोधपुर सिटी है वहां का है 161। जोधपुर सिटी डेवलप्ड है इसलिए वहां का डेंसिटी थोड़ा ज्यादा है। चूरू की बात करते हैं तो चूरू जो है, चूरू भी डेवलप्ड है थोड़ा, तो इस कंडीशन में वहां का है 148। बाकी ये सारे के सारे जो पांचों के पांचों जो जिले हैं वो रेगिस्तान से टच वाले जिले हैं, इसलिए इनका क्षेत्रफल तो ज्यादा है और वहां पर रहने वाले लोगों की संख्या कम है। तो हमने आज बात की राजस्थान के संदर्भ में और देश के संदर्भ में कि जनसंख्या जो घनत्व है, पॉपुलेशन जो डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी की देश में और हमारे राजस्थान में क्या कंडीशन है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगले वीडियो में फिर एक नया टॉपिक लेकर के फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।